वार्निंग दे रहा हूँ आप कि आप गवर्नर हैं, आपका एक आई नहीं होता है, आप ये पॉलिटिकल बातों से, पॉलिटिकल स्टेटमेंट से और कन्फ्रंटेशन से गुरेज करें। लेकिन मैं सुल्तान रही के डायलॉग नहीं बोलता, क्योंकि डायलॉग भी अमल दरामद होता है। लेकिन जब उन्होंने कल कहा और मैं एक आईनी होते में बैठा हूँ कि हम गवर्नर हाउस में भी दौड़ जाएंगे, मुझे गवर्नर हाउस का तहफ़ करने आता है। अगर वो कल इस पे रिहर्सल करना चाहते तो मैं तैयार हूँ, उसके साथ करने को तैयार हूँ। इस्लामाबाद में तो हाईवे मिल गया था दौड़ने के लिए, यहाँ पर दौड़ने के लिए जगह भी नहीं मिलेगी। खैबर पख्तूनख्वा में सियासी जंग शदीद हो गई, गवर्नर और वज़ीर आला के एक दूसरे को शट अप कॉल। फैसल करीम कुंडी औकात में रहें, सियासी गुफ्तगू से गुरेज करें, वरना गाड़ी फ्यूल सब बंद कर दूंगा, गवर्नर हाउस को आवाम के लिए खोल दूंगा। गवर्नर के पास आईनी ओहदा है, गवर्नर बस बाय बाय टाटा किया करें, अली अमीन कंडापुर का जारहाना अंदाज। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने जवाब दिया, गवर्नर हाउस की तरफ देखा तो सड़कों पर घसीटूंगा, अली अमीन गंडापुर को बदमाशी नहीं करने दूंगा, मुझे इन जैसों से निपटना आता है, नाचने वाले घोड़े रेस नहीं जीतते। आजाद कश्मीर में ज्वाइंट एक्शन कमेटी की कॉल पर महंगाई के खिलाफ शटर डाउन और पहिया जाम हड़ताल का आज दूसरा रोज। मुसवराबाद समेत आजाद कश्मीर में हालात कशीदा, पुलिस और मुजाहिरीन आमने सामने, रास्तों की बंदिश के बायस मुजाहिरीन मुश्तैल, मुजाहिरीन का पुलिस पर पथराव, पुलिस पर कांच की बोतलें बरसा दी, जवाब में पुलिस की शेलिंग, कारोबारी मराकज दफातर और तालीमी इदारे बंद, सड़कें सुनसान। हंगामा आराई रोकने के लिए हसास मुकामात पर पुलिस की भारी नफरी तैनात, मुजाहिरीन का हुकूमत से बिजली और आटे की कीमत कम करने और अवामी मसाइल के हल के मुतालबात। उमर अयूब और शिबली फराज पर तनकीद महंगी पड़ गई, शेर अफजल मरवत को पीटीआई का शो कॉज नोटिस, शेर अफजल ने पार्टी मुफाद को नुकसान पहुंचाया, बानी की हिदायत के बावजूद बयान दिए, शेर अफजल को 3 दिन के अंदर जवाब देने की हिदायत, जवाब इत्मीनान बख्श न हुआ तो कार्रवाई होगी। मुस्लिम लीग नून की असर नौ तंजीम साजी का फैसला, नवाज शरीफ मुल्क भर के दौरे करेंगे, पार्टी की यूनियन काउंसिल की सतह पर तंजीमें नौ होगी, मरकजी सूबाई डिविजनल और डिस्ट्रिक्ट लेवल की तंजीम साजी मरहलावार होगी। मुकाबला तो दिले नातवा ने खूब किया, पाकिस्तान को असलान शाह हॉकी कप के फाइनल में शिकस्त हो गई, जापान पहली बार इवेंट का चैंपियन बन गया, कभी पाकिस्तान तो कभी जापान का पलड़ा भारी रहा, सनसनीखेज मैच का फैसला पेनल्टी शूटआउट पर हुआ, पाकिस्तान को पेनल्टी शूटआउट पर 4-1 से शिकस्त हुई, मुकर्रा वक्त में मैच 2-2 गोल से बराबर था, पाकिस्तान की जानिब से एजाज अहमद और अब्दुल रहमान ने गोल किए, पाकिस्तान ने आखिरी बार 2003 में यह टाइटल जीता था। सऊदी क़यादत से मौशी इनकलाब ला सकते हैं, कुवैत कतर अमारात और तुर्किया पार्टनर बन सकते हैं, ये मुल्क आईटी और सरमाकारी में शराकत कर सकते हैं, हमारा अजीम दोस्त चीन भी इसमें पार्टनर बन सकता है, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी टीवी को इंटरव्यू, कहा सऊदी वलीअहद पाकिस्तान से ताल्लुकात में इंतहाई मुखलिस हैं, पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात की मिसाल नहीं मिलती। आईएमएफ की निगरान हुकूमत के इकदाम की तारीफ, निगरानों ने सियासी नुकसान की परवाह नहीं की, पॉलिसी से बैरूनी आमदन बहाल हुई, निगरान दौर की पॉलिसी पर अमल करें, आईएमएफ की हुकूमत पाकिस्तान से सिफारिश, मुल्क की आमदन को बढ़ाने के लिए हंगामे इकदाम किए जाएं। फवाद चौधरी ने मुज़ाकरात के लिए नवाज शरीफ से उम्मीद लगा ली, कहते हैं शहबाज शरीफ के पास कुछ नहीं है, नवाज शरीफ से बेहतर मुज़ाकरात हो सकते हैं, नवाज शरीफ 1985 से सियासत में हैं, वो मुल्क में सियासी माहौल को बेहतर बनाने के लिए किरदार अदा कर सकते हैं। गंदम खरीदारी का बहरान, किसानों का 16 मई को वज़ीर आला हाउस के सामने धरने का ऐलान, किसान बोर्ड पंजाब हुकूमत से मुतालबात की मंजूरी के लिए डट गया, अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम उर्रहमान भी आम आवाज, एहतजाजी रैली निकालने का कह दिया। मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने इसका सख्त नोटिस लिया और फिर हमें ये कहा गया कि नहीं, एक मैकेनिज्म बनाए, एक तरीक़ेकार बनाए कि किसी भी काश्तकार और किसान को जो पॉलिसी के मुताबिक हकदार है,
कोई एक बैग भी किसी और को ना मिले। वफाकी वज़ीर सनअत व पैदावार राणा तनवीर का कहना है कि सूबाई हुकूमतें गंदम नहीं खरीद रही। पंजाब में पास्को 13 तहसीलों से गंदम खरीदारी कर रही है, बाकी तहसीलों से भी गंदम खरीदारी का प्रेशर आ रहा है। एक एकड़ वाले को 8 बोरी बारदाना दिया जा रहा है, हदफ पूरा करने के लिए एक एक दाना खरीदेंगे। पंजाब में रोटी मजीद सस्ती, नई कीमत 15 रुपए मुकर्रर। इंतजामिया मुकर्ररा कीमत पर रोटी की फरोख्त यकीनी बनाने में नाकाम। बेशतर इलाकों में नान 25 में फरोख्त होने लगा। आटे की कीमत में नुमाया कमी के बावजूद डबल रोटी समेत किसी बेकरी आइटम की कीमत कम ना हो सकी। पंजाब के 7 लाख तलबा को चश्मा और आला समात मिलेंगे। स्कूलों में तलबा की नज़र कुव्वत समात चेक की जाएगी। वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने मंजूरी दे दी। वज़ीर आला से मारूफ इदारे ATE स्केल के वफ्द की मुलाकात। ऑटिज़म से मुतासर बच्चों के लिए स्कूल बनाने का ऐलान। कहती हैं रिवायत से हटकर खिदमत करना चाहती हूँ। महंगी बिजली के सताए शहरियों के लिए अच्छी खबर, सोलर की मार्केट क्रैश कर गई। कीमतों में 60% तक कमी। 580 वाट की सोलर प्लेट 22 से 23 हज़ार रुपये पर आ गई। 4 किलो वाट सोलर सिस्टम की कीमत 3.5 लाख रुपये तक हो गई। चलती फिरती आंखों से माँ देखी है, मैंने जन्नत तो नहीं देखी माँ देखी है। आज मदर्स डे है, माँओं से प्यार के इजहार का आलमी दिन। खिदमत कीजिए, दुआ लीजिए, है आज का यही पैगाम। रिश्ता अनमोल, मोहब्बत बेलौस, माँ है अजीम हस्ती। iQube कमर के कामयाब लॉन्च के बाद पाकिस्तान एक और सैटेलाइट खला में भेजेगा। नया सैटेलाइट 30 मई को खला में छोड़ा जाएगा। सैटेलाइट जदीद तरीन मबासलाती निज़ाम की तश्कील में रहनुमाई करेगा। स्पार्को और नेशनल स्पेस एजेंसी सैटेलाइट खला में लॉन्च करेगी।